नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज नहीं पता, सवाल बहुत सारे थे, इन्होंने ओवरऑल कहा था कि सब कुछ ही बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि साथ में क्या है, क्या स्थिति रहेगी जीवन में, किस प्रकार ये अपने जीवन को भाग्योदय की तरफ ले जा पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम देखकर बता सकते हैं सब बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में देखिए भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मजबूत है, बट यहाँ पर नहीं है, तो बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पैसा आएगा, अच्छे अमाउंट में आएगा, बढ़िया आएगा, बट एक चीज़ है कि जो आपकी वृद्धावस्था रहेगी उसमें इस प्रकार का पैसा आएगा कि उसको कमाने के लिए आपको बुढ़ापे में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भागा दौड़ी आपको करनी रहा करेगी। इस तरह की आपके हाथ में भाग्य रेखा द्वारा मैं पूरे पूरे तरीके से देख पा रहा हूँ। दूसरा आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए जीवन रेखा पर क्रॉस एवं कट लग रहे हैं। ये शुरुआती जीवन है, तो मान सकते हैं शुरुआत में आपको बचपन में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा रहा होगा। इस चीज़ के योग भी आपके हाथ में रहे, और इतना भी है कि देखिए जब आपने अपने पैरों पर खड़े हुए, जब आपके जीवन में आपको आप बाल्यावस्था को आपने पार किया, उस समय आपके जीवन में सद्बुद्धि आई और आप अपने जीवन में जो पैसा कमा रहे हैं, अपने बलबूते पर कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी देख पा रहा हूँ। लेकिन बुढ़ापे में आपको संकट परेशानी मेहनत, देखिए संकट परेशानी इतनी नहीं आएगी, बट जो वर्ड है मेहनत, वो बहुत करनी रहेगी बुढ़ापे के अंदर। यहाँ पर एक 52 में राहु रेखा है, 56 में राहु रेखा है, ये 4 वर्ष में जो आपको जीवन में थोड़ा बहुत पैसे से रिलेटेड थोड़ा सावधान रहना रहेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कहीं प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, कहीं जीवन में बड़ा आप पैसे के रिगार्डिंग रिस्क मत लीजिएगा। इस एज में आपको संकट परेशानी समस्या का सामना जीवन में करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिएगा। आगे आपको समस्या आ रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसके लिए गाइड कर दिया है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। शुक्र पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, ये आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देने वाली रहेंगी। जब जब और जहाँ जहाँ आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे कहीं भी करें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ, मान सम्मान, अच्छा सुख संपन्नता, प्रॉपर्टी, ऐशोराम जीवन में कमाने में सक्षम रहेंगे। और इतना मैं आपको कब बता सकता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लाखों में लगेंगे, करोड़ों में बाहर निकलेंगे। बस शर्त ये रहेगी, देखिए कहना था तो करना नहीं, तो लॉन्ग टर्म अगर करना चाहें तो आप करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर चंद्र आपके हाथ में बहुत मजबूत है, तो मन में शांति बनी रहेगी, विचारधारा शुद्ध होती है, शीतलता पाई जाती है, व्यक्ति के मन बड़ा शांत रहेगा। जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत क्यों ना आ जाए, व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है। और मान के चलेगा आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग शुभ लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। इससे ये पता चलता है कि जितना महादेव की भक्ति करेंगे, किसी भी रूप में की गई महादेव की आराधना आपको आपके जीवन में बड़ा लाभ देने वाली रहेगी। यहाँ पर ये आड़ी रेखा है, तो जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर को काटने पड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और जीवन में लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा, बाकी गुप्त शत्रुओं से हानि होने के योग भी है इस आपके भारी मंगल पर दिख रहे हैं। चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, हाथ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, बट फिर भी एक नेगेटिव पॉइंट है, तो मैंने आपको इसके लिए सजेस्ट कर दिया है कि लड़ाई से बचिएगा, लड़ाई में आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। बाकी हाथ में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिख पा रहा हूँ कि आपको बड़ी समस्या आ जाए। यहाँ पर देखिए शुक्र हाथ में सही है, यहाँ पर देखिए शनि प्रभु हाथ में सही है, शनि के रिगार्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, तो मान के चलिए कि शनिदेव आपके हाथ में बहुत अच्छी एवं शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। शमी के पेड़ की सेवा कीजिए, शमी का बीज लेकर आइए, उसे कहीं पर लगा दीजिए, उसकी सेवा कीजिए। मैं लिख देता हूँ शह में ई, जी ये पेड़ होता है, इसकी सेवा करने पर शनिदेव की असीम कृपा व्यक्ति को मिलने वाली रहती है। यहाँ पर अगर आया जाए तो सूर्य देव पर एक सुंदर खड़ी सूर्य रेखा है, ये आपको बहुत बड़ा लाभ जीवन में देने वाली रहेगी। इसके साथ साथ देखिए ये कॉम्बिनेशन जब है आपके हाथ में, तो देखिए संघर्ष तो रहेगा, बुढ़ापे में भी आपको मेहनत करनी रहेगी, बट सफलता है आपके हाथ में, सफलता मिलेगी उपाय द्वारा जीवन में, सफलता आपको बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। बुध पर बिल्कुल फ्लैट है, ना ही कोई सीधी खड़ी रेखा है, ना ही कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट है, तो देखिए बुध देव की अवस्था को भी न्यूट्रल बताया गया और आपके हाथ में ये न्यूट्रल भी है, तो बुध देव के नॉर्मल प्रभाव मिलेंगे, ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव प्रभाव भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे धनुष आकार रेखा बन गई, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर भावना में गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये उंगली काफी ज्यादा इसमें गैप आ गया है, जब उंगली में गैप आ जाए तो ये आपको आपके जीवन में थोड़ा बहुत डिफरेंट थिंकिंग की ओर दिखाती है, आपका जो थिंकिंग लेवल है काफी डिफरेंट है, सोचने समझने की शक्ति है और लोगों से काफी अलग एवं हटके है, इस चीज के योग आपके हाथ में दिख रहे हैं। पिंकी फिंगर थोड़ी बहुत रह गई है, इस उंगली का नाखून बढ़ा लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा, पैसे को इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलने वाला रहेगा। सूर्य की उंगली बड़ी चली गई है, जब सूर्य की उंगली बड़ी चली जाती है तो व्यक्ति कभी भी कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं रहते, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, हर चीज को क्रिएटिविटी में ढूंढते हैं,
और कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा बाहर घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से कुछ ना कुछ सीखेंगे, उतना आपको अपनी पर्सनल लाइफ में फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि तो कभी भी किसी का बना बनाया बिजनेस नहीं मिलता, जो करते हैं अपनी दम पर करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर करते हैं। इसके साथ साथ रिस्की नेचर होता है, व्यक्ति रिस्क लेके बड़ा लाभ मान सम्मान कमाने में सक्षम होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं, जीवन में बड़ा नेम, बड़ा फेम, बड़ी इज्जत, बड़ी रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी आपको रिस्क लेकर आने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होती। ईगो की अगर ईगो की वजह से रिश्ते खराब होने लग जाए तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। यहाँ पर आएंगे सेकंड फ्लाइंज पर, पे आड़ी रेखा। जब सेकंड फ्लाइंज पर आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है। लॉजिकल व्यक्ति बोलता है, लॉजिकल व्यक्ति सोचता भी है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में व्यक्ति सक्षम भी देखे गए हैं। अंगूठा यहाँ से सीधा तो इंट्रोवर्ट नेचर बनाता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक दो जी ढाई इसको रेखा कहेंगे, नहीं तीन भी नहीं है, दो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मणिबंध थोड़ा दिक्कत है। मणिबंध को अच्छा बनाने के लिए, मणिबंध से शुभ प्रभाव पाने के लिए आपको समाज सेवा करनी रहेगी और डोनेशन करनी रहेगी। चैरिटी द्वारा भाग्योदय है और भगवान की भक्ति नाम जाप करके दान दक्षिणा करके ही भाग्योदय है आपके हाथ में। भाग्य रेखा देखेंगे तो यहाँ पर बुद्ध रेखा जा रही है, लेकिन बुद्ध रेखा बहुत हल्की है। बताया बुद्धदेव बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही बुरा प्रभाव दे ना अच्छा प्रभाव दे, तो बुद्ध की रेखा पर भी इसका असर आ रहा है। क्या असर आ रहा है देखिए, बुद्ध की रेखा भी न्यूट्रल है, केवल है भी और नहीं भी है। ध्यान से देखने पर दिखती है, ध्यान से देखने पर दिख जाती है, और ऐसे ही देख लें हाथ को ऊपर से तो नहीं दिखती। तो ये पर्वत आपके हाथ में बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं, इनके उपाय करने पर आपको लाभ मिलेगा। बुद्ध देव के आप उपाय मुझसे ध्यान से मांग लीजिएगा, बुद्ध देव के उपाय आप मुझसे ध्यान से ले लीजिएगा, मैं आपको इन चीज़ के उपाय देने वाला रहूंगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। हृदय रेखा पहुंची डायरेक्ट गुरुदेव बृहस्पति तक। हृदय रेखा का गुरुदेव बृहस्पति तक जाना ये भी आपको थोड़ा बहुत मनी माइंडेड बनाता है, करियर ओरिएंटेड बनाता है, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर डोनेशन वाली भावना थोड़ी कम होती है, बट मैं आपको जैसे तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डोनेशन से आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। आपको अन्नदान करना होगा, जितना ज़्यादा अन्नदान करेंगे, जितना गरीब का पेट भरेंगे। देखिए अन्नदान इतना बड़ा दान होता है कि उसके बराबर कोई बड़ा दान नहीं होता। जब आप किसी गरीब को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे या फिर खाने को कुछ देंगे, और जब किसी के पेट में आपके द्वारा कुछ जाएगा, तो आपको उससे जो दुआ मिलेंगी वो आपको भाग्य को बनाने वाली रहेंगी। तो ये चीज़ है। यहाँ पर अगर आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा हल्की सी बैंड हो रही है, तो धार्मिकता समय के साथ बढ़ती चली जाएगी, धार्मिकता जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पर जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा परिपूर्ण है, भरपूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जीवन रेखा इस प्रकार होती है, और देखिए जीवन रेखा पर दो ही राहु रेखा है और राहु रेखा है भी नहीं। राहु रेखाओं का हाथ में ना होना भी अपने आप में राजयोग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा होती है, उस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े बड़े नुकसान हेल्थ वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके हाथ में राहु रेखा है ही नहीं, तो दो एज रहेंगी 52-56 के आसपास थोड़ा नुकसान रहेगा, बट उसके अलावा अगर इन दोनों एजों को छोड़ दिया जाए तो मान सकते हैं बड़ी तरक्की पाने में आप सक्षम रहेंगे। और देखिए फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, बट अगर आप मेरे दिए गए उपाय रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं, तो आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। और देखिए जो मेरे उपाय होंगे वो एक साथ असर नहीं डालेंगे, वो कोई जादू नहीं करेंगे, तो आप मान के चलिएगा कम से कम यानी आपको 3 साल के अंदर आपको मेरे दिए गए उपाय से फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 5 साल में आपको बड़ा भाग्योदय देखा देखने को मिल जाएगा। तो मेरी आपसे एडवाइस यही रहेगी कि जो मैं आपको उपाय दूंगा, चाहे किसी भी चीज़ के हो, वो आपको डेली करने रहेंगे। और मेरे उपाय इस प्रकार के नहीं होते, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा आ जाए या फिर इस प्रकार के उपायों के आप ना कर पाएँ, बस ये चीज़ रहेगी कि आप उपाय डेली करें। आपका दैनिक जीवन का सुबह 10 मिनट जाएगा, 10 मिनट दीजिएगा, आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। जीवन रेखा यहाँ पर अगर हल्की सी धुंधली पड़ी है तो बुढ़ापे में हेल्थ प्रॉब्लम्स रहने वाली रहेंगी। यहाँ पर दो भागों में टूटी है, तो मल्टीपल ट्रैवलिंग, 4 धाम की यात्रा, सफल ट्रैवलिंग, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग आपके जीवन में होने वाली रहेगी। इस तरह के भी पूरे एवं बड़े योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा मुझे दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मनी ट्रायंगल बनते बनते रह गया। देखिए मनी ट्रायंगल जब बनते बनते रह जाए तो उसका क्या मतलब होता है? मनी ट्रायंगल दिखाता है कि पैसा कितना आएगा, पैसे से पैसे बनाने की कला क्या आपके अंदर है, तो ऐसे को इन्वेस्ट करके क्या बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में मनी ट्रायंगल द्वारा देखी जाती हैं। लेकिन आपके हाथ में मनी ट्रायंगल खुल रहा है, ये पूरा नहीं बना है, आप देख पा रहे होंगे जहाँ से खुला हुआ है ये, तो पैसा तो जितना आप कमाने के लिए सोचते होंगे उतना आप कमाने सक्षम रहेंगे, बट एक पैसा जुड़ने वाली जो बात होती है या फिर पैसे को सेव करने वाली या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाली जो चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत रह सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपके हाथ में बड़ा पैसा आए तो आप उसे इन्वेस्ट कर दें। जितना आप पैसा अपने हाथ से इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा और आपके हाथ से पैसा जुड़ेगा, तो ये चीज़ रहेगी। तो जब भी बड़ा पैसा आए वो खर्च ना हो, आप उसे इन्वेस्ट कर दें। जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उससे 100% बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। बाकी भाग्य का बुढ़ापे के अंदर नहीं है तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है, बट ये है कि उपाय द्वारा भी आप अपने बुढ़ापे से काफ़ी दूर हैं।
तो जब उपाय करेंगे तो ये रेखा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ये इस प्रकार फिर ऊपर तक चली जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और आपको उपाय जब तक करने होंगे तब तक भाग्य रेखा यहाँ से बढ़नी स्टार्ट हो जाए और ये ऊपर तक ना चली जाए। बहुत समय लेगी, ये कोई कहना आसान है बट करना नहीं, बहुत समय लेगी ये रेखा। उपाय मान सकते हैं सालों साल तक करने देंगे, बट कीजिएगा फिर भी कीजिएगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाइट ये थी, भाग्य रेखा बस यही यहीं पर है, तो बुढ़ापे में दिक्कत रहने वाली है, थोड़ी बहुत मच्छर में संघर्ष रहा है, और हाथ की जो पर्वत है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो उपाय दो तरीके के होते हैं, कोई चीज न्यूट्रल है तो उसको पॉजिटिव बनाने के, तो जो दूसरे तरीके के उपाय होते हैं कि एक तो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, अगर नेगेटिव चीज़ें तो उपाय जरूरी हो जाते हैं, बट दूसरा ये होता है कि अगर हाथ में न्यूट्रल चीज़ें हैं वो ना अच्छा प्रभाव दे रही है ना बुरा प्रभाव दे रही है, तो उनके अच्छे प्रभाव को निकालने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। तो आपको दूसरे तरीके के उपाय देने वाला रहूँगा, जिससे आपको आपके जीवन में सारे पर्वतों के शुभ परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।